الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يقول

मगफ़रत और जहन्नम से खलासी का महीना है और अल्लाह ताला ने इस महीने में जो इबादत के ऊपर मुरतब होने वाला स्वबा फरमाया है वो दीगर महीनों के मुकाबले में कई गुना ज़्यादा है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हर नेकी जो इस माह मुबारक के अंदर की जाए तो उसका सवाब फ़र्ज़ के बराबर होता है और फ़र्ज अमल का सवाब सत्तर गुना इजाफ़ा कर दिया जाता है ये जो महीना है ये नेकियों के लिए मौसम बहार और गुनाहों के लिए मौसम ख़जा की हैसियत रखता है इस महीने की रहमतों का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है नबी करीम अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर लोगों को इस बात का इल्म हो जाए कि अल्लाह ताला की तरफ़ से इस महीने में कितनी रहमतें कितनी बरक़ात का नज़ुल होता है तो लोग इस बात की ख्वाहिश और तमन्ना करने लगे कि सारा साल ये महीना रहे रमज़ान रहे और हम रोज़ेदार रहें तो अल्लाह ताला ने इस महीने में रहमतों का एक सैलाब जारी फ़रमाते हैं वैसे अल्लाह अरहमुर रमहमीन है हर लम्हे हर घड़ी हर आन अल्लाह ताला की तरफ़ से बंदों पर नमतों का एक सिलसिला रवा दवा रहता है लेकिन इस महीने में अल्लाह ताला की तरफ़ से रहमतों का जो दायरा कार है जो हैं, और ज़्यादा जारी सारी हो जाती हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाद फरमाया कि जब रमज़ान का महीना शुरू होता है तो महीने के शुरू होते ही अल्लाह ताला इस मुक़दस महीने के एहतराम में और इसके इस्तबाल के अंदर जन्नत के दरवाज़ों को खोल देते हैं और जहन्नम के दरवाज़ों को बंद कर देते हैं और शयातीन को जगड़ देते हैं और ऐसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस महीने में अल्लाह ताला ने हमें रोज़ी जैसे नेमत अता फ़रमाई कि हर मुसलमान बंदा रोज़ा रखता है ये रोज़ा एक बहुत बड़ी नेमत है ये एक ऐसा अमल है कि अल्लाह ताला, ताला फरमाते हैं कि असऊली के रोज़ा मेरा है वाना अज़ीबी और मैं ही उसका बदला देता हूँ और अल्लाह ताला को रोज़ेदार का हर अमल इतना ज़्यादा पसंद है कि इस बात का अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं कि रोज़ेदार की जो स्मेल होती है मुँह की बू होती है वह अल्लाह ताला के हाँ मुश्क और अंबर की खुशबू से ज़्यादा बेहतर है नबी अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई शख़्स जानबूझ इस महीने में एक रोज़े को छोड़ देता है और वो उसके बाद सारी ज़िंदगी इस बात में लगा दे कि रोज़ेदार रहे और इस एक रोज़े की तलाफी करना चाहे तब भी उसको वो बरक़ात वो समरात वो रहमतें हासिल नहीं हो सकती जो रमज़ान के महीने में एक रोज़ा रखने पर एक मुसलमान बंदे को हासिल होती हैं तो इस अंदाज़ा लगाएं कि अल्लाह ताला ने इस महीने में कितनी रहमतें नाजिल फ़रमाते हैं कि एक इंसान रोज़े जैसा मल करे और सारी ज़िंदगी इसी में लगा दे सारी जिंदगी वो रोज़ेदार रहे लेकिन रमज़ान के महीने का एक रोज़ा एक तरफ और सारी ज़िंदगी के रोज़े एक तरफ इस रोज़े का सवाब और इसकी बरक़ात ज़्यादा है इस महीने की एक खसूसियत यह भी है कि अल्लाह ताला ने अपने मुक़दस मुबारक कलाम को इस महीने में नाजिल फ़रमाया शाहरु रमज़ान लदी उनफ़ी हिलकुर हदल नास कि रमज़ान का महीना वो महीना है कि जिसमें कुरान मजीद को नाजिल किया गया तो ये एक ही इतनी बड़ी खसूसियत है कि अगर दीगर खसूसियात को अलग कर दी जाए सिर्फ़ अल्लाह ताला का अपने कलाम को इस महीने में नाजिल करना इसी को ले ली जाए तो इस महीने की असमत को फ़जीलत को ज़ाहिर करने के लिए यही एक खसूसियत काफ़ी है और अल्लाह ताला ने सिर्फ़ क़ुरान मजीद ही को इस महीने में नाजिल नहीं फरमाया बल्कि दीगर जितनी भी आसमानी किताबें हैं उन तमाम किताबों के नज़ूल के लिए अल्लाह ताला ने इसी महीने का इंतबा फरमाया है और इस महीने में अल्लाह ताला ने जिसको सबर का महीना मवासात का महीना करार दिया और सबर का बदला जन्नत है तो गोया कि अल्लाह ताली ने इस महीने को मुख्तलिफ नतों से मालामाल किया है कहीं पर रोज़े पर सवा मिल रहा है तो कहीं पर तरावी पढ़ने पर स्वाब मिल रहा है कहीं पर सबर करने पर स्वाब मिल रहा है तो कहीं रोज़ेदार को इफ्तार कराने पर स्वबा मिल रहा है अल्लाह ताला इस महीने में हर बंदे की बख्शिश के लिए मफ़रत के लिए सिर्फ़ बहाने की तलाश में रहते हैं कि कोई नेक अमल कर ले कोई छोटा सा अमल कर ले मैं उसकी मफरत कर दूँ अल्लाह ताली की तरफ से रमजानमारक के महीने में एक मुनादी यही आवाज़ लगाता रहता है या बार ए खैर के तलब करने वाले ए नेकी के ख्वाहिशमंद ए नेक कामों में हिस्से डालने वाले अकबील आगे आ जाओ नेक काम करो नेक कामों में सबकत करो और ए शर के तलब करने वाले और एक बुराइयों के काम करने वाले रुक जा तो इस महीने में अगर हम नेक आमाल शुरू कर दें छोटे छोटे माल शुरू कर दें तो इस बात की आ, काफ़ी उम्मीद है कि अल्लाह ताला इन तमाल की बरकत से हमारी बख्शिश फरमा देंगे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि सलील वशात फरमाया कि इतने इतनी लामहदूद रहमतें और इतनी वसी रहमतों का नसूल अल्लाह ताला की तरफ़ इस महीने में होता है कि अगर इन रहमतों से इंसान मुस्तफ़ीद ना हो तो ये शख्स बड़ा ही महरूम शख्स है एक बार नबी करीम मंबर पर तशरीफ़ ले जाते हुए आपने तीन बार आमीन कहा तो सबक राम ने दरियाफ़्त किया ए अल्लाह के रसूल आज हमने आपसे एक ऐसी चीज़ देखी जो इससे पहले नहीं देखी आपने तीन बार आमीन कहा तो नबी करीम सलील्ला ने फरमाया किरत जबील आलाम तशीफ़ लेकर आए और उन्होंने तीन बद दुआई की तो उन पर मैंने आमीन कहा तो सबक राम ने दरियाफ़त किया कि वो कौन सी तीन बातें थी कि जिनके ऊपर आपने आमीन कहा तो आपने फ़रमाया कि एक शख्स वो है कि जिसको रमज़ान का महीना मिला और वो उसमें मकफरत नहीं करा सका ऐसे अमाल करता रहा जो अल्लाह ताला से महरूमी के सबब बन गए जन्नत से दूरी के जरिया बन गए तो मैंने कहा आमीन तो अंदाज़ा लगाए कि अल्लाह ताला जो आरहमर्रहमीन हैं और नबी करीम सल व्म जिसको अल्लाह तै नेमीन बनाया तो वो इस बदुआ के ऊपर आमीन कह रहे हैं तो इस रमज़ान के महीने की हर हर घड़ी को हर हर लम्हे को हर दिन और हर रात को कीमती बनाने की कोशिश करें और इस बात का पक्का इरादा करें कि हमारा हर आने वाला लम्हा हर आने वाली घड़ी पहले महीने के मुकाबले में पहले लम्हे के मुकाबले में ज़्यादा बेहतर हो ज़्यादा कीमती बन जाएँ और रमज़ान की इन नेमतों से हम अच्छे अंदाज़ में मुस्फीद हो जाएँ और हम मगफ़रत के परवाना हासिल करने में कामयाब हो जाएँ सदक